टॉक प्लीज, आप बात करें राणा साहब। आप इनको समझाएं ना, ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना। एड्रेस द चेयर प्लीज, बैठो। अली अमीन, क्या ये भगौड़े आप तशरीफ रखे अली? राणा साहब एड्रेस द चेयर, राणा साहब, राणा साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास, बजट पर गर्मा गर्म बहस। नू लीग की रहनुमा राना तनवीर ने वफाकी काबीना को ना अहल करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर बरहम, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। स्पीकर असद कैसर ने दोनों को खामोश करा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, हकूमत में जो गड़बड़ करता है उसे दूसरी वजारत दे दी जाती है। हुकूमत के माशी माहरीन की तादाद कम रह गई है। हुकूमती रुकन बाबर एवान ने हिसाब बराबर करते हुए कहा, ऑपोजिशन का मकसद एनआरओ हासिल करना है। अब तक लैंड माफिया से लेकर दूसरे माफिया तक 1000 अरब की रिकवरी कर चुके हैं। मईशत तरक्की कर रही है। ऑपोजिशन ने 29 मुतालबात जर पर कटौती के 397 तहरीकें पेश कर दी। कुछ हकूमती अरकान ने गलती से कटौती तहरीक के हक में वोट दे दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पेश करने के बाद शौकत तरीन साहब टेलीविजन पर ये मान गए कि जी ये इसमें बहुत से नंबर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। वो जब पहले साल खान साहब एक्शंस ले रहे थे, अब हमें 3 साल के शौकत तरीन साहब ये बता रहे हैं कि वो IMF का दबाव था। वफाकी बजट मुज़्ज़का खेज़ करार, महंगाई का तूफान आने वाला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने IMF के दबाव में फैसले किए। पेट्रोलियम लेवी का हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वज़ीर आज़म बताएं IMF का दबाव क्यों कबूल किया। इमरान खान के फैसलों और आदाद व शुमार पर भरोसा नहीं। शौकत तरीन को हकायक का पता ही नहीं। वो वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा और वज़ीर ख़जाना कम लगते हैं। हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर आला जाम कमाल का बलोचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा राई करने वालों से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सूबाई असम्बली में बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा, ऑपोजिशन जमातों ने बलोचिस्तान असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। लग रहा था ऑपोजिशन जमातें अपने रवैये पर माजरत करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हर जमात को ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के सवालात के जवाब देंगे। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारी सरजमीन, अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल डिटेरिएट होती है या ख़राब होती है तो फिर हम अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील करने का भी सोचेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका और चीन में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान ने तालिबान को पहले अमेरिका फिर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अमेरिका के साथ सिक्योरिटी की बजाय इक़्तिसादी ताल्लुकात पर जोर दिया। 1970 की तरह अमेरिका और चीन में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। भारत और चीन दो बड़ी मंडियां हैं। मुस्तकबिल में भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होते हैं तो पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम होगा। दुनिया पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब डूमोर नहीं नोमोर। वज़ीरे आज़म डट गए, डूमोर से बहुत नुकसान उठा लिया। अब अमेरिका से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होंगे। अफगान तालिबान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। वज़ीरे आज़म इमरान खान का अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में दो टोक मौकफ, कहा अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की तो लड़ाई के अलावा तमाम दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मजीद अफगान पनाह गजीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तालिबान के काबुल पर हमले की सूरत में अफगान सरहद बंद कर देंगे। पाकिस्तान अमरीकी इंकलाब के बाद अफगानिस्तान में खूनी खाना जंगी नहीं चाहता। इमरान खान की मोदी पर कड़ी तनकीद, बोले बेहतर तालुकात में मोदी की इंतहा पसंद सोच रुकावट है।
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का FATF के ऐलान पर रद्द अमल, सवाल उठाया, तायुन करना होगा FATF तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल, इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बाज़ क़ुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया, 27वें नुक्ते पर भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। जो बात पाकिस्तान के मुफाद में है वो हम करते रहेंगे। ग्रे लिस्ट से नाम क्यों नहीं निकाला? पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। नगर बुखारी ने कहा पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ना निकलना मौजूदा हुकूमत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत बताएं कि अगर तमाम नकात पर अमल दरामद हो चुका तो फिर कामयाबी क्यों नहीं हुई? इमरान खान अपोजिशन को दीवार से लगाने की बजाय हमारी तजावीज़ पर अमल दरामद करते तो हालात मुख्तलिफ होते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर मिशन एंटी नून लीग अलायंस बनाने के लिए इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पंजाब में पार्टी को फाल बनाने के लिए कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, कासिम जिया को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद, फैसल सोले हयात और यूसुफ फजा गिलानी को अहम टास्क मिल गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ अलायंस के लिए भी मुस्बत पेशरफ। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो भी लाहौर में डेरे डालेंगे। खवातीन विंग को मुतहरक करने के लिए आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। साबिक सदर जुलाई में फिर लाहौर आएंगे। सिंध में PTI और इतिहादियों में खलीज भरने लगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली की बाज़ गश्त। MQM पार्लिमानी पार्टी और GDI अरकान की खुफिया मुलाकातें। PTI के अंदर भी हलीम आदिल शेख के मुखालफीन सरगरम हो गए। दो अरकान मुनहरफ होने के बाद PTI अरकान की तादाद 28 रह गई। सिंध असम्बली में MQM के 21 और GDI के 14 अरकान हैं। GDI और MQM हतमी मुशावरत के बाद क़यादत से रुजू करेंगे। एहसास कफालत प्रोग्राम से इमदाद लेने वाले भिकारी नहीं, चेयरपर्सन सानिया निश्तर की मीडिया को ब्रीफिंग। सानिया निश्तर ने बताया कि एहसास कफालत प्रोग्राम एक बड़ा फ्रेमवर्क है। प्रोग्राम में 1,20,00,000 खानदानों को शामिल किया गया है। अब तक 68,00,000 खानदानों की मदद कर चुके हैं। जल्द 1,70,00,000 से ज़ायद खानदानों को इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कोटली में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल, मरकजी स्टेज की तैयारी का काम जारी। बड़ी तादाद में कुर्सियां भी जलसा गाह पहुँचा दी गई। लाहौर में ट्रैफिक असिस्टेंट ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। फैक्ट्री एरिया में ट्रैफिक असिस्टेंट जिक्रिया ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो इसने मोटरसाइकिल भगा दी। ट्रैफिक असिस्टेंट के पीछा करने पर नामालूम शख्स चलती मोटरसाइकिल से बच्चे को फेंक कर फरार हो गया। CTO लाहौर की तरफ से ट्रैफिक असिस्टेंट को शाबाश, 5,000 नकद इनाम भी दे दिया। साबिक हुक्मरानों के मंसूबे सफ़ेद हाथी करार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं माजी की हुकूमत ने नुमाइशी मंसूबों पर सूबे के कीमती वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया। माजी की हुकूमत के नुमाइशी मंसूबे कल भी सफ़ेद हाथी थे, आज भी सफ़ेद हाथी हैं। अरकान असम्बली से मुलाकात में उस्मान गुजार ने कहा पंजाब में पायदार तरक्की की हकीकी बुनियाद रख दी है। 560 अरब रुपये के तरक्याती प्रोग्राम से हर ज़िला तरक्की करेगा। पंजाब का बजट मंजूर हो गया, अब पायदार तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आला की मौवन खसूसी फिरदौस आशिकवान की मुबारकबाद। कहा पंजाब का बजट गरीब मजदूर किसान ताजर सनतकार तबके के लिए रिलीफ पैकेज है। सूबाई बजट वज़ीर आज़म इमरान खान के यकसां तरक्की के विजन की अक्कासी करता है। बजट मंजूरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और हमारे इत्तेहादी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार ख़ान खोसो 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जस्टिस हज़ार ख़ान खोसो, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत और चेयरमैन ज़कात कौंसिल बलोचिस्तान भी रहे। कोरोना के वार जारी, वबा से मजीद 36 मरीज जांबहक। 24 घंटों में 935 नए केसेस भी सामने आए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। उधर NCOC ने कोरोना की चौथी लहर का खतरा जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं, जुलाई में कोरोना वबा फिर सर उठा सकती है। क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए बर्मिंघम पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं होम कंडीशंस में इंग्लिश टीम बहुत मजबूत है। बटलर, स्टॉक्स, स्टुअर्ट, मॉर्गन समेत अच्छे कम्बिनेशन बन चुका है। इंग्लैंड में अच्छे क्रिकेट खेलेंगे। मजीद कहा कि कोशिश करता हूं मुश्किल सूरत हाल में दिमाग ठंडा रखूँ, क्रिकेट इंजॉय करता हूँ। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी एहसास है। अभी आगाज में आपको लिए चलेंगे बरह रास्त। वफाकी वजीर हमाद अजहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान हम मुतबादल बंदोबस्त कर रहे हैं और अगर हमें एक जो आज एक चैलेंज का सामना हम समझते हैं कि उस 5-6 दिन में थोड़ा सा चैलेंज शायद आ सकता है, उसकी भी वजह सिर्फ ये है कि तरबेला डैम जो है वहां से भी हमें इस वक्त पानी 50% पे हमें वहां से आउटपुट मिल रही है। अगर वहां पे इस वक्त 50% आउटपुट ना होती जितनी पिछले साल थी तो ये ड्राई डॉकिंग भी कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं था क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन ये 2 हफ्ते पहले तक फ्लोज अच्छे थे और अभी ये पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में फ्लोज कम हुए हैं। उम्मीद है कि 10-1 दिन में ये फ्लोज दोबारा बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये 29 से 6 तक का जो टाइम है इसके अंदर हमने मुतबादल बंदोबस्त किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स चला के इस गैप को ब्रिज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें लोड शेडिंग ना करनी पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी भी तो उसको कम से कम और टारगेटेड रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको बेहतर तरीके से हम मैनेज कर लेंगे। अब ये सारा मामला जो है इसको क्यों इतनी सनसनी दी जा रही है, क्योंकि और अपोजिशन के पास कुछ करने को नहीं है। अब 2-3 सवाल इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं कि जी शायद कोई गैस की फील्ड है उसको भी इसी टाइम पे आउट कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है। इस दौरान 3-4 गैस फील्ड्स थी जिनकी मेंटेनेंस ड्यू थी, उनको हमने 3 हफ्ते आगे कर दिया। और एक गैस फील्ड थी जो बड़ी गैस फील्ड थी, उसको वो हम मजीद डिले नहीं कर सकते थे, उसको हमने इस ड्राई डॉकिंग पीरियड से पहले कर दिया और वो 20 तारीख को गई है और 28 तारीख को या 29 को इसका रैंप अप शुरू हो जाएगा उस गैस फील्ड का, यानी कि उसकी गैस सिस्टम में वापस आना शुरू हो जाएगी और इन 5 दिनों में उसकी 80% गैस हमें मिल रही होगी। तो एक को हम पहले ले गए और बाकी 3-4 को हम इससे आगे ले गए। ड्राई डॉकिंग हमारी 29 तारीख से है। तो पहला तो ये जवाब। दूसरा कल एक हमारे साबिक वजीर पर पेट्रोलियम थे नून लीग के, उन्होंने कहा कि जी ये तो आप बंद करेंगे तो आप फर्नेस ऑयल चलाएंगे और ये फर्नेस ऑयल का तो जब मैं था वजीर तो पता नहीं मुझे बड़े अरबों रुपए दिए गए थे फर्नेस ऑयल चलाने के लिए और मैंने नहीं चलाए। तो मैं उनकी अर्ज करता हूं कि ये तो जब भी ड्राई डॉक होना है तो अल्टरनेटिव फ्यूल चलना है। आज नहीं होगा तो 2 महीने बाद होगा। 15 साल में 2 दफा होना है और ये आपके दौर में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। तो कमाल भी आप कर रहे हैं और सवाल भी आप कर रहे हैं। और जाहिर है कि हाँ कोई FSRU ऐसा दुनिया में नहीं है जो 15 साल 24 घंटे चलता है और उसको ड्राई डॉक नहीं करना पड़ता। अब मैं आता हूं फर्नेस ऑयल के उनके सवाल के ऊपर। 2016-17 में 30% फर्नेस ऑयल चल रहा था और ये LNG के प्लांट ये साहब कमीशन कर चुके। 30% पाकिस्तान की सिस्टम पावर जनरेशन फर्नेस ऑयल से थी, को 35-40 लाख टन। 2017-18 में मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल 19.22% फर्नेस ऑयल चला। 2018-19 हमारा पहला साल 7.59%। 2019-20 हमारा दूसरा साल 3.53%। और अब 2020-21 4.4% फिलहाल चल रहा है और अगले साल हम इसे मजीद कम कर देंगे, इससे भी कम कर देंगे। तो आपके दौर में जिसमें आप कह रहे हैं कि जी मुझे तो पैसे ऑफर हुए थे ये फर्नेस ऑयल चलाने के लिए, उसका तो आज 10वां हिस्सा भी नहीं चल रहा फर्नेस ऑयल का। तो क्या हम हक बजानिब नहीं है ये पूछने में कि LNG प्लांट भी कमीशन हो चुके थे?
आपको पैसे भी ऑफर हो रहे थे फर्नेस ऑयल चलाने के लिए, और आप 35-40 लाख टन उस वक्त भी साड़ रहे थे साल का फर्नेस ऑयल, तो क्या सौदा हो गया था? क्या ये हम हक बजाने हैं पूछने में आपसे? तो इसलिए इस पे कोई ज्यादा फॉल्स नैरेटिव ना बनाए। हो सकता है कि आपके हकाइक ठीक नहीं है और जो आप बातें कर रहे हैं वो उल्टी आप ही को मजीद तंग करें। फिर दूसरा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन्हीं साहब के दौर में वो LSA साइन हुआ, यानी कि जो अग्रीमेंट साइन हुआ दोनों टर्मिनल्स के साथ, जिसमें लिखा हुआ था कि 15 साल में 2 दफा का इख्तियार है इन कंपनियों का। ये हमने तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने किया और आपको करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई FSRU नहीं है दुनिया में जो 15 साल 24 घंटे चलता है और उसको ड्राई डॉक नहीं होना पड़ता। और मैंने आपको बाकी गैस फील्ड्स के हवाले से भी बता दिया कि एक गैस फील्ड को ड्राई डॉकिंग से पहले शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी, 2 साल से उसकी मेंटेनेंस ओवरड्यू थी और हमें शक था कि ये गैस फील्ड बैठ ना जाए अगर इसको मजीद डिले किया गया, और बाकी 3 गैस फील्ड जिनकी इस टाइम पर आ रही थी उनको आगे डिले कर दिया गया। फर्नेस ऑयल की मिकदार जो है वो इस वक्त पिछले 5 साल की अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में, या पिछले 10 साल की देखें पिछले 2 साल में सबसे कम तरीन सतह पे है, और अगले साल ये मजीद कम तरीन सतह पे होगी। तो इसलिए अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई ऐसे बयानिए देना या कुछ करना वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अब हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ये प्रॉब्लम है कि ये 3 चीज़ें इकट्ठी आई हैं, तरबेला का पानी जो नीचे चला गया पिछले हफ्ते 10 दिन में जो पहले ठीक था, दूसरा ये ड्राई डॉकिंग उस टाइम पे आई कि जब हमारा पीक सीजन था, और पीक सीजन के टाइम पे ये 3 चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो चैलेंज ही कोई नहीं है, हम यहाँ बैठे ही ना होते और बात ही ना कर रहे होते और किसी को पता भी नहीं लगता और ये ड्राई डॉकिंग होकर 5-6 दिन में चला भी जाता। लेकिन इसको हम फिर भी बेहतर मैनेज करेंगे और जितना हमारी सिस्टम के अंदर गैप आएगा उसको हम करेंगे। और जो इस वक्त सिंध में जो इस वक्त गैस की शॉर्टफॉल है वो ड्राई डॉकिंग की वजह से नहीं है, वो उस एक गैस फील्ड की वजह से है जिसको ड्राई डॉकिंग के पीरियड से पहले मेंटेनेंस के अंदर लेके गया था। हाँ, अब इसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ हो सकती थी जो हमारी ख्वाहिश थी वो ये थी कि जो एंग्रो का टर्मिनल है या एक्सेलरेट कंपनी है वो हमें 1 साल पहले कम अज़ कम फर्म डेट देती कि ये चीज़ दिए जाए। SSGC का कहना है कि जून के पहले हफ्ते में हमें ये बताया गया, उस कंपनी का ये कहना है कि हमने मार्च के अंदर इनको ये बताया, लेकिन बहरहाल दोनों डेट्स जो थी वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे थी, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आप कल बंदोबस्त हो जाए ड्राई डॉकिंग का, उसके लिए ऑल्टरनेटिव जहाज का बंदोबस्त करना पड़ता है। कतर में जहां ड्राई डॉक होना है वहां पे आपको जगह का पहले बुकिंग करनी पड़ती है, और सारी दुनिया से जो टेक्नीशियंस आते हैं उनको वहां पे पहले मौजूद रखना होता है ताकि कम से कम इनका लाखों डॉलर का इनका किराया होता है दिन का, कम से कम टर्नओवर होए। लेकिन अब बहरहाल ये एक चैलेंज आया है तो हम इंशाल्लाह ताला इसे पूरी अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे और इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। ऑपोजिशन अपनी बेरोजगारी में काफ़ी चीज़ें कर रही है जो मैं समझता हूं कि नामुनासिब है। अब मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि जो हमने इनके मुकाबले में ठीक की, एक कारके का सौदा हुआ था और लिटिगेशन हुई थी, इन 2 हुकूमतों का सारा मसला था हमने ठीक किया, ITPs के सौदे ये 2 हुकूमतें करके गईं, हमने रीनिगोशिएट किया और कितने 100 अरब रुपये हमने बचाए। FATF की जो ग्रे की लिस्टिंग हुई और हमारे 2 हमें असेसमेंट्स दिए गए और हमें एक बड़ा कम टाइम दिया गया, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था और पूरी ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी थी। कोई मुल्क ऐसा नहीं था कि जो इतना मुश्किल जिसको मिलता और वो ये चैलेंज जो है उसको इस तरह समेटता जिस तरह हमने समेटा। ये हमारा ये इनके दौर में हमें तोहफा मिला था, इससे भी हमने डील किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताला ये जो हाथी निकल गया दुम रह गई ये भी हम ठीक कर लेंगे। इकोनॉमी डिफॉल्ट के करीब ये छोड़ के गए, हमने पहले स्टेबलाइज की और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रोथ पे जा रहे हैं जिसकी इनको बहुत ज्यादा दुख है। RLNG के कॉन्ट्रैक्ट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने 13.3% पे किया और हमने 10.4% पे किया, और इस मुल्क के अगले 10 साल के लिए 500 अरब रुपए बचाए अगर आज ब्रेंट की प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन की जाए। 500 अरब रुपया हमने बचाया इनके मुकाबले में, जो इन्होंने RLNG का सौदा किया था उसके मुकाबले में जो हमने किया, अगर हम भी वही सौदा करते जो इन्होंने किया था तो 500 अरब रुपये का नुकसान होना था। तो इनकी